आप देख रहे हैं खबर आपकी राजस्थान न्यूज चैनल। डूंगरपुर जिले के आसपुर में आज समानता मंच संपूर्ण टीएसपी क्षेत्र के द्वारा एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। महामहिम राज्यपाल, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री के नाम। डूंगरपुर जिले में नेशनल हाईवे रोड पर 1167 पदों को लेकर उपद्रवियों द्वारा चक्का जाम करके व्यापारियों को लूटा और वाहनों को जलाया। वहीं खेरवाड़ा में घरों को लूटने वालों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्यवाही को लेकर ज्ञापन सौंपा। अराजकता में शामिल बाहरी लोगों की जांच कर पहचान की जावे। सभी वर्गों को नियमानुसार समानता का व्यवहार कर 1167 रिक्त पदों को भरने की मांग की। वर्तमान में घटित घटना को लेकर राज्यपाल के निर्देशन में एवं केंद्र सरकार हस्तक्षेप कर उच्च कमेटी गठित कर पूरे मामले की गंभीरता से जांच करने की मांग की गई। खबर आपकी राजस्थान से प्रवीण कुमार कोठारी की रिपोर्ट। लेकर व्यापारियों को भारी नुकसान हुआ है, उसके बारे में आप क्या कहना चाह रहे हो? हम तो सरकार से ये निवेदन करना चाहते हैं, राज्यपाल महोदय के थ्रू भी और राष्ट्रपति महोदय के थ्रू भी, कि यहाँ की जनता अब इन उपद्रव से इतनी यानी डर चुकी है कि यहाँ की सभी जनता ने आज ज्ञापन में सबसे पहली मांग आत्मरक्षा हेतु हथियारों के लाइसेंस के लिए की है। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ रोस्टर प्रणाली लागू करना चाहते हैं ताकि सबको मौका मिले, किसी प्रकार की कोई लड़ाई नहीं हो। और रही बात 1167 पद की, उस पर सबका हक है, सबको उसका अधिकार मिले। और ये उद्भव हुआ है ये नेशनल हाईवे रोड पे, तो क्या ये केंद्र सरकार से मांग करोगे कि केंद्र सरकार इसकी जांच करे? बिल्कुल हम ये मांग करते हैं, क्योंकि इसमें हमें पूर्ण विश्वास है, यहाँ की बोली बाली जनता को फंसाया जा रहा है। इसमें बाहर के नक्सलवाद की तरह सोच रखने वाले लोगों ने यहाँ आके हमारी शांति को बिगाड़ा है। आज दिन तक हम सौहार्दपूर्ण वातावरण में रहते आए हैं और आगे भी रहेंगे। हमारे यहाँ के आदिवासियों से किसी प्रकार से कोई वैमनस्यता नहीं है और आगे भी नहीं रहेगी। हम उसी कुएं का पानी पीते हैं जिनका वो पीते हैं, हम वही खेती करते हैं जिस तरह से वो करते हैं। हमारी ये भी मांग है कि जिस तरह से एसटी को यहाँ 36% दिया जा रहा है, स्वर्ण एवं ओबीसी जाति को भी यहाँ 36% पासिंग मार्क्स दिए जाए।